गुड इवनिंग एवरी वन आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू कैसे हो सब लोग एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग बता दो ऑडिबल एंड स्क्रीन भी सबको properly विजिबल है यस ऑडिबल चलिए बहुत अच्छी बात है फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आज के सेशन में अगेन हम लोग कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं कंप्यूटर मैराथन बेसिकली करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर सेक्शन तो आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन और उनका आंसर डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू गिव यू आंसर्स

Next question, what is the use of all caps feature in MS Word? MS Word में all caps feature का क्या use होता है? It changes all selected text into capital letter. It changes all selected text into small letter. It adds captions for selected image. या none of the above.

एक्जैक्टली ऑटो कंटेंट विजर मतलब आपको जो कंटेंट चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप प्रेजेंटेशन जल्दी बना सकते ऑप्शन नंबर बी इससे वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं

E14 E14 आपका सेल है तो इसकी क्या लोकेशन होगी लोकेशन एज इन इसका कौन सा कॉलम कौन सा रो होगा कॉलम E रो 14 कॉलम 14 रो E कॉलम E या नन ऑफ दीस तो हमें बताया जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम लेटर से नेमिंग करते हैं जो रोज़ होती हैं उनके नंबर से नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉलम E रो 14 ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट द नेम बॉक्स नेम बॉक्स यहाँ पे नेम बॉक्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है शोज द लोकेशन ऑफ द प्रीवियसली एक्टिव सेल बिल्कुल नहीं टू द द लेफ्ट ऑफ बार बिल्कुल सही यहाँ पे आपका नेम बॉक्स होता है जिसको आप नेम बार भी कहते हो और यहाँ पे आपका उसके साइड पे होता है फॉर्मूला बार फॉर्मुला बार में फॉर्मुला है नेम बार में आपका एक्टिव सेल जो होता है उसका नेम बताते हैं तो ये वाला ऑप्शन सही है बिलो द स्टेटस बार स्टेटस बार तो बॉटम में होता है अपेयर बिलो द मेन्यू बार मेन्यू बार नहीं मेन्यू बार के नीचे टूल बार होता है टूल बार के नीचे होता है ये है ना तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर ऑल अदर्स आर रॉन्ग प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टीज इनमें से कौन सी प्राइमरी की की प्रॉपर्टीज हैं नॉट नल नो डुप्लीकेट्स बोथ ऑफ अबव नॉन ऑफ अबव देखो प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं, तो मतलब नहीं, no मतलब नहीं, नहीं होना चाहिए तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी है आंसर हम क्या हो गया हमारा बोथ ऑफ प्राइमरी की का सबको मतलब पता है? है, ना? क्या होती है सब लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तब तक मॉडम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन सीपीयू एंड प्रिंटर फोन लाइन रजिस्टर या मोनिटर तो मॉडम जो है उसको हम इंस्टॉल करते हैं सीपीयू और कैसे इंस्टॉल करते हैं टेलीफोन केबल्स के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है तो आंसर इज फोन लाइन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट पे आ जाओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम द वेब सर्वर आपको वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर डिस्प्ले करने हैं, रिक्वेस्ट करने हैं तो आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। सबको पता है? तो लिंक, ब्राउज़र, होस्ट या राउटर। तो जब भी हमें वेब सर्वर से कुछ भी डेटा रिक्वेस्ट करना होता है इंटरनेट सर्फिंग करनी होती है हम वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सबको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ

राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है आज तो क्वेश्चन सबको आने चाहिए हर चीज हमने पड़ी हुई है इवन इन लेक्चर और जो हमारी रिविजन सीरीज होती है उसमें भी हमने ये चीजें रिवाइज की है

बताइए इसका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज टेलनेट टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से सब लोग टाइप करेंगे वॉट इज द टेलनेट बीओपी की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है इसकी फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आई आर सी की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेट रिले चैट एफ की फुल फॉर्म क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टेलीट के फुल फॉर्म क्या है टेली टाइप नेटवर्क ठीक चल आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पासवर्ड स्मार्ट कार्ड पिन तो बायोमेट्रिक किसके ऊपर काम करता है तो ये करता है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फिंगरप्रिंट्स आपकी आईज uh, इन सब का प्रिंट लेके uh, जो है वो आपकी ऑथेंटिकेशन होती है ठीक है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन अ वायरस इंफेक्टेड फाइल एंटीवायरस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है देखो ऑप्शंस क्या हैं रिपेयर्स द इन्फेक्टेड फाइल सही है डिलीट्स करता है बिल्कुल क्वारंटाइन द इन्फेक्टेड फाइल क्वारंटाइन का मतलब पता है क्या अलग कर देता है आइसोलेट कर देता है ये भी बिल्कुल सही है तो ऑल ऑफ द above इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर सही सबका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर डैश इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस पॉलीमॉर्फिक वायरस स्पेस फिलर ओवरराइट नॉन रेजिडेंट वायरस कैविटी वायरस हम और किस टाइप ऑफ वायरस को कहते हैं तो कैविटी वायरस कहा जाता है स्पेस फिलर वायरस को ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ये क्या करता है, को करता है. So, right चलो नेक्स्ट पे आ जाओ डैश वायरस इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को कौन सा वायरस इन्फेक्ट करता है Give you तो यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं मैक्रो वायरस कह रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग फाइल इन्फेक्टर कह रहे हैं

सबको विजिबल तो है ना अब यहां पे ई गवर्नेंस से क्वेश्चन है क्या है रिगार्डिंग ई गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तीनों स्टेटमेंट रीड कीजिए और उसके बाद बताइए करेक्ट आंसर डिक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एडवांटेज ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में तो ट्रांसपेरेंसी है, है क्या कहते है, हैं ICT, ये वाली स्टेटमेंट सही है कॉमन सर्विस सेंटर्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग एंड यूजिंग ई गवर्नेस रिलेटेड सर्विस सही है तो बी और सी सही हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वॉज इस्टिश इन ई गवर्नेंस प्लान जो है वो कब इस्टिश हुआ था एटीन जून टू थाउजेंड सिक्सेंड एट एटीन मई टू थाउजेंड थ्री मई टू बताइए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वॉज इस्टिश इट तो करेक्ट आंसर इट इज 18 मई 2006 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच वन इज डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस कौन सी डिसएडवांटेज है हाँ, तो रियल टाइम अपडेट इज एन एडवांटेज कॉस्ट रिडक्शन एसेसिबिलिटी डिजिटल डिवाइड डिजिटल डिवाइड इज ए गवर्नेंस का डिसएडवांटेज हो सकती है ठीक है डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कोई मुझे बता सकता है इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे

नाइन पिलर्स हैं और आपको पूछा भी जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से तो कौन कौन से है ब्रॉडबैंड हाईवे यहाँ पर लिख देती हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो देन यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल एक्सेसिबिलिटी मैं शॉर्ट में लिख रही हूं ठीक है मोबाइल कनेक्टिविटी देन Public Internet Access Program. Fourth one is E Governance and E Services. Fifth one is Information for All. Sixth one Electronics Manufacturing Seventh IT for Jobs Eighth Early Harvest Programs and the last one Ninth डिजिटली इम्पावर्ड सिटीजन ये आपको पता होना चाहिए इट कैन बी आस्ट कि इनमें से कौन सा है पिलर या इनमें से कौन सा नहीं है तो दीज आर द नाइन पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एन आई बीम और एन एरो ऑफ द माउस इज नोन एज इज नोन एज द माउस ये एक आपको दिखता है कि आपको स्क्रीन पे ऐसे आई दिखता है जहां पे आपका मतलब कर्सर होता है या फिर एक एरो जैसा दिखता है है ना माउस जहां जहां आप नेविगेट करते हो वहां वहां ये नेविगेट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं व्हाट इज इट कॉल्ड उसे हम लोग पॉइंटर कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट पे आ जाओ डैश इज द ट्रेडिशनल वे टू एंटर डेटा इनटू पीडीए एंड कैन बी यूज्ड ऑन टैबलेट पीसीज फॉर हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन टैबलेट्स पे या फिर अह uh, पीडीए पे आपको डेटा इनपुट देना हो तो क्या आप इनपुट डिवाइस यूज करते हो बेसिकली ये क्वेश्चन है जॉयस्टिक माउस या स्टाइलस स्टाइलस तो वहां पर हम लोग का यूज करते हैं ई एफ जी लिखा है ये इग्नोर कर देना स्टाइलस इज द आंसर स्टाइलस क्या होता है एक पेन लाइक डिवाइस होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो तो इनपुट देने के लिए यूज होता है और बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ऑन दिस स्क्रीन यूजिंग अ स्टाइलस ठीक है मैम रीचेक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री प्लीज लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वॉट इज इट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हाँ तो क्या गलती है इसमें इट वाज लॉन्च्ड इन फर्स्ट जुलाई अच्छा यहाँ पे टू थाउजेंड फाइव नहीं है इट इज टू थाउजेंड फिफ्टीन गाइज अदनान ने बोला है फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन यहाँ पे करेक्शन कर लेना मे बी टाइपिंग में गलती हो गई है यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिएगा ठीक है और कभी भी किसी को लगे कि क्वेश्चन में कोई गलती है तो बता सकते हो क्योंकि वाइल मेकिंग द पीडीएफ टाइपिंग का एरर हो सकता है कई बार चलो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का स्टाइलस था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन A dash allows you to capture sound waves and transfer them to digitally format on your computer. साउंड वेव्स को डिजिटल करने वाला कौन सा डिवाइस होता है स्पीकर right right like माइक्रोफोन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा है क्योंकि हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन uh, हो रही है वो डिजिटली ही हो रही है राइट right? तो माइक्रोफोन जिसको आप शॉर्ट में माइक भी कहते हो ऑप्शन बी Next question Byajo 28. Dash Monitors use a technology similar to that of digital watches. डिजिटल वॉचेस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है कैथोड रे ट्यूब ग्राफिक इलेक्ट्रॉन बीम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो आपको पता है जो आपकी स्मार्ट वॉच होती है आज के टाइम पे या स्मार्ट टीवी है वहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है एल का यूज होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो ऑप्शन नंबर डी है अब आपने मुझे ये बताना है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक एमिसिव डिस्प्ले है या नॉन एमिसिव डिस्प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा सक जाता है एलसीडी एमिसिव है या नॉन एमिस है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ द डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन द मॉनिटर एंड द इल्यूमिनेशन ऑफ ईच पिक्सल रिफ्रेश रेट शार्पनेस रेजोल्यूशन डॉट पिच व्हाट इज दिस फीचर ऑफ मॉनिटर

जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग डॉट पिच कहते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे जी लिखा है ये आपका करेक्ट आंसर है ठीक है ओके, okay. ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नाउ विजिबल टू एवरीबडी डैश इज वेन कंप्यूटर एन इमेज ऑफ द डेस्कटॉप एंड पॉवर्स डाउन स्टैंड बाय मूट अवाम बूट हिबनेशन कोल्ड बूट क्या कहते हैं इससे हम When the computer saves an image of the desktop and powers down is called. तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है इसे हम हिबिनेशन कहते हैं हिबिनेशन का मतलब क्या होता है इसे हम सिस्टम uh, का सस्पेंड होना भी बोल सकते हैं मतलब सिस्टम जो है वो पावर डाउन हो चुका है लेकिन अपनी जो स्टेट पे है वो एज इट इज उसने रिटर्न करके तो इस स्टेट हम लोग क्या कहते हैं मतलब पावर डाउन तो है बट से रैम जनरली क्या होता है कि जब आपका सिस्टम ऑफ होता है तो रैम का डेटा चला जाता है लेकिन इस स्टेट में कंप्यूटर uh, जो है वो एक इसे हम कह सकते हैं कि सेफ मोड पे है ठीक है आपके कंटेंट्स जो डेटा है वो एज इट इज रिटेन रहता है इन द डिस्क तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ थर्टी टू यूएसबी पोर्ट्स आर फास्ट रिप्लेसिंग डैश एंड डैश पोर्ट्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा क्विकली ट्रेडिशनल कौन सी पोर्ट्स को रेट पोर्ट रेट रेट रही है क्योंकि उनमें डेटा ट्रांसफर की जो रेट है वो फास्टर है एग्जैक्टली पैल एंड सीरियर मोड्स जो है पोर्ट्स जो, तो जो है ट्रेडिशनल है तो यूएसपी पोर्ट जो है रिप्लेस करिए यूएसपी का फुल फॉर्म भी सबको पता होना चाहिए ठीक आगे बढ़े एडीएसएल इज एन एब्रीविएशन फॉर एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या है बताइए तो डी का फुल फॉर्म होता है ए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ठीक है ये भी आपका एक डीएसएल कम्युनिकेशन तो सबको पता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तो उसी का एक टाइप है बट फास्टर स्पीड हम कह सकते हैं कि बेटर फीचर्स प्रोवाइड करता है फास्टर स्पीड ग्रेटर बैंडविथ जो डायलॉग कनेक्शन होती है उसे ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है और बेटर डेटा ट्रांसमिशन जो है वो आप जो है इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से कर सकते हो ठीक है तो इट इज अ टाइप ऑफ डी एस एल बेसिकली ए डी एस एल सो ऑप्शन चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉक्सी सर्वर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है to provide security against unauthorized users to provide tcp ip to process client request for the database access to process client request to for web pages to so, proxy server kya hota hai basically ek tarah ka gateway hota hai ya interface hota hai kiske beech ka user ke aur internet ke beech ka ek gateway hota hai theek hai और जो भी request हम करते हैं वो हमारी request को process करवाना इसी का काम होता है तो user और internet के बीच का एक जो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन करवाने वाला मोड है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करवाने वाला मोड है या फिर गेट है वो प्रॉक्सी सर्वर होता है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू प्रोसेस प्रोसेस रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वेब पेजेस हमारी इंटरनेट तक करवाता है सिंपल चलो आगे बढ़े मैं यहां पर देख रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं काफी स्टूडेंट्स इसमें आंसर नहीं दे रहे हैं सही बट इट्स ओके इफ यू सी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपके नोट्स में वो एड हो जाता है, है ना

एप्लीकेशंस कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स किसी भी रिकॉर्ड को या डेटा को एक्सेस करने के लिए दो तरह के बेसिक मेथड होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं सिक्वेंशियल रैंडम डायरेक्ट इमीडिएट सिक्वेंशियल इंडेक्स ऑनलाइन रियल टाइम

बताइए शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक तो करेक्ट आंसर इसका कंट्रोल एंटर सही हो सब लोग ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द पावर सेविंग मोड दैट allows द कंप्यूटर टू restart by बाय सिंपली प्रेसिंग अ की ऑन द is called इज कॉल्ड हाँ जी बताइए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे काफी लोग बोले थे कि आप बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस करो तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं कर दूंगी तो आपका सिस्टम जो है एक मोड पे चला जाता है कि आप जस्ट कोई भी की प्रेस करो तो आपका लैपटॉप या स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है तो उस मोड को हम लोग क्या कहते हैं

कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है आपका सिस्टम जो है वो टोटली पावर ऑफ है उसकी ठीक है आप उसको क्या कर रहे हो स्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर को वापिस से स्टार्ट करना पावर ऑफ है और स्टार्ट करना उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड बूट इसे हम लोग हार्ड बूट भी कहते हैं और उसके बाद आता है वार्म बूट आप अपने सिस्टम को कई बार ऑफ uh, नहीं करते हो आप रीस्टार्ट करते हो अपने फोन को भी करते हो तो मतलब रीस्टार्ट करना उस मोड को हम लोग क्या कहते हैं उस तरह की बूटिंग को हम लोग कहते हैं वॉम्बूट रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी टर्न ऑन उसे हम वॉम बूट कहते हैं और पावर ऑफ है तो ऑन कर रहे हैं उसे कोल्ड बूट कहते हैं स्टैंड बाय का मतलब पता चल गया और रिबनेशन का मतलब भी सबको पता चल गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन एनालॉग कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट जो आपको दी है वो सही है आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म ऐसा कभी नहीं होता एनालॉग में डिजिटल फॉर्म में आउटपुट डिस्प्ले नहीं होती है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म तो इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है तो ये भी गलत है और इनपुट कभी डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले होगी नहीं एनालॉग कंप्यूटर्स में वो एनालॉग में ही डिस्प्ले होगी एनालॉग एज इन वो आपकी जो मेजरमेंट्स होते डिस्टेंस मेजर करना स्पीड मेजर करना ये वाले तो फिजिकल क्वांटिटीज में ही आपको आउटपुट दिखती है वहां पे तो डिजिटल फॉर्म में नहीं दिखती तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं डैश इनेबल्स योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर आप अपने कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग वॉट वीडियो कार्ड नो साउंड कार्ड नो कंट्रोलर कार्ड नो इट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे आप एनआईसी भी कहते हो है ना और NIC से आपको एक और क्वेश्चन आता है कि इज इट एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस तो NICs जो है वो इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं इसके अलावा मॉडर्न होता है वो भी इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश स्पीड इज मेजर इन नैनो सेकेंड किसकी स्पीड नैनो सेकेंड में मेजर की जाती है Modem Ram Expansion Board Hard Drive. <coughs> I'm waiting for your response for the question. तब का आंसर यहाँ पे राम मिल रहा है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ इज़ नॉट रिलेटेड टू ई मेल इनमें से कौन सा ई मेल से रिलेटेड नहीं है बीसीसी, स्पैम, पेन या पाइन तो देखो पीसी तो है हमें पता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी स्पैम ईमेल से रिलेटेड है भी ईमेल से रिलेटेड है बेसिकली एक ईमेल सर्विसेज जैसे आप जीमेल यूज करते हो तो वैसे भी है बेसिकली एक ई ईमेल सर्विस है ईमेल क्लाइंट है टेक्स्ट बेस्ड ईमेल क्लाइंट जैसे आप जी मेल ऑन यूज करते हो वैसे ही पाइन है फ्रीवेयर है पेन जो है वो ई में उसका कोई काम नहीं होता तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट

गिव अ स्टेडी पिक्चर डिस्प्ले ग्राफिक्स तो क्लियर पिक्चर भी देता है स्टेडी पिक्चर भी देता है ग्राफिक्स लेकिन टीवी सिग्नल्स रिसीव नहीं करता तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर हियर ऑप्शन नंबर है ना

तो क्या करें है सबको मिनिमाइज करने के लिए आपको होता है विंडोज का लोगो बटन के साथ आप डी 54 54 अगर याद हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 47 द नेम फॉर द वेट मैनिपुलेट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेट करते हैं हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग ऑर्गेनाइजेशन Organizing. तो डेटा की प्रोसेसिंग होती है तो डेटा इंफॉर्मेशन मिलता है इनपुट की प्रोसेसिंग होती है तो हमें आउटपुट मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर प्रोसेसिंग चलिए नेक्स्ट फ्लैश ड्राइव्स प्लग इनटू अ यूएसबी पोर्ट सीरियल पोर्ट एक्सपेंशन पोर्ट ड्राइव बे ये क्वेश्चन तो आसान है फ्लैश ड्राइव जिसे आप लोग यूएसबी ड्राइव्स भी कहते हो है ना तो ये प्लग इन किस में होती है यूएसबी पोर्ट्स में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग डैश फेज ऑफ द लेजर प्रिंटिंग अ पेपर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इन ऑर्डर टू पुल द टोनर फ्रॉम द प्रिंट ड्रम बताइए Option A conditioning developing transferring writing. क्या बोला है कि लेजर प्रिंटिंग के फेस में जब पेपर जो है वो चार्ज हो जाता है और इनऑर्डर टू पुल द टोनर फ्रॉम द प्रिंट ड्रम देखो लेजर प्रिंटर में एक ड्रम का यूज होता है ठीक है जिसको यूज करके प्रिंटिंग होती है तो वो टोनर पुल करता है तो ऊपर प्रिंटिंग होती है ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को हम राइटिंग फेज कहते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर हियर चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज इन अ स्प्रेडशीट डैश इज अ नंबर यू विल सी इन अ कैलकुलेशन क्या कहेंगे एक नंबर को जिसको आप कैलकुलेशन में देखोगे या फिर यूज करोगे लेबल सेल फील्ड या वैल्यू बताइए तो जिस भी चीज जिस भी डिजिट की नंबर की कैलकुलेशन चलती है हम उसे वैल्यूज ही तो बोलते हैं ना इन जनरल भी तो यहाँ पे भी वही है ऑप्शन नंबर डी इज द अच्छा। अच्छा। आंसर वैल्यू बोला जाएगा नंबर यू विल यूज एन इट्स नॉट लेबल जो लोग लेबल आंसर करें वैल्यू इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है सो so, ये है आपके फिफ्टी क्वेश्चन जो आज के सेशन में हम लोगों ने करने थे अब आप लोगों का एक करंट अफेयर का स्पेशल सेशन लेना है मैंने ठीक है करंट अफेयर्स का आप लोगों का एक स्पेशल क्लास लेना जिसमें सब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलावा आपका पार्ट टू होगा क्योंकि पार्ट वन हो चुका है पार्ट टू ऑफ इंग्लिश मैराथन ये भी मैं आप लोगों का लूंगी बाकी मैंने आप लोगों को बोला किसी को प्रीवियस ईयर चाहिए किसी को टॉपिक वाइज चाहिए या फिर किसी को और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो ये सारी प्ले जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी ठीक है वो वाली प्ले एक बार रिवाइज कर लेना एवरीबडी right तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में टेक केयर बाय बाय नाइट